आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर छाया हुआ है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती है। यहाँ आपको बता दें कि खबरें केवल दाऊद के गंभीर रूप से बीमार होने की ही नहीं बल्कि उसके मौत की भी सामने आ रही है। हालांकि दाऊद के सहयोगी छोटा शकील ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने पाकिस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हादसा हुआ है। शकील ने इन सभी खबरों को महज एक अफवाह करार दिया है। वहीं अगर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक दाऊद की हालत गंभीर है और उसे पाकिस्तान के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां अस्पताल ने ब्रेन सर्जरी के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा है। खबरों की माने तो 22 अप्रैल को उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ दाऊद को लेकर एक खास पहलू ये भी है कि जहाँ कुछ मीडिया ग्रुप ये दावे कर रही है कि दाऊद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वहीं कुछ एक ने तो यह तक कह दिया है कि आतंकवादी दाऊद की मौत हो चुकी है। अगर हम दाऊद के क्रूर कारनामों को याद करें तो उसने साल 1993 में मुंबई में बम धमाके करवाए थे और भारत छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद उसे पाकिस्तान में संरक्षण मिला। वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शीर्ष पर है। वहीं इस मुद्दे को कई बार भारत ने जोरों से उठाया है, लेकिन हर बार पाकिस्तान के दोगले रवैये ने दाऊद को बचाने की हर संभव कोशिश की है। दाऊद के लगातार जारी रहे कुकर्मों को देखते हुए अमेरिका ने भी उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। हम बात कर रहे थे दाऊद इब्राहिम की और उसके स्वास्थ्य या मौत को लेकर।